वेलकम फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है सॉ के बारे में। सॉ मतलब आरी के बारे में। तो चलिए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट सॉ के बारे में। पहला है हैंड सॉ। हैंड सॉ इट इज़ अ मोस्टली यूज ट्रेडिशनल सॉ, जिसका आप लोगों ने सभी ने यूज करा होगा। ये है मोस्टली यूज सॉ, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल सॉ या फिर हैंड सॉ। नेक्स्ट है हमारा बैक सॉ। जैसा कि इसका नाम है, ऐसे तो सॉ पे जो नीचे वाला वर्जन होता है, बॉटम होता है, उस पर टूथेड बने होते हैं, लेकिन इस टाइप के सॉ में ऊपर वाला जो पार्ट होता है, एभव वाला, उस पर टॉप पे टूथेड बने होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है बैक सॉ। बैक सॉ का कुछ एग्जांपल है एक्स मिल्टर सॉ और टेनन सॉ भी इसी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा बो सॉ। बो सॉ का नाम पड़ा है इसके शेप से। इसका शेप भी बो मतलब धनुष की तरह होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है वो सॉ। ये यूजफुल होता है पेड़ को काटने के लिए, ट्रिमिंग, पेड़ को काटने के लिए, और कटिंग लॉग्स काटने के लिए पेड़ को, इसी के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका नाम है वो सॉ। उसके बाद है कॉपिंग सॉ। क्या है कॉपिंग सॉ? इसका ब्लेड होता है वो काफ़ी पतला होता है, और इसका यूज वहाँ पर करते हैं जहाँ पे प्रिसीजन चाहिए होता है, मतलब एक्यूरेसी चाहिए होता है, वहाँ पे इसका यूज करते हैं। ये आइडियल है फॉर ट्रिमिंग, ट्रिम करने के लिए सही होता है, स्कोरिंग करने के लिए, फिर कोई भी अदर कटिंग बर्स के लिए ये यूजफुल होता है जहाँ पे कि प्रिसीजन रिक्वायर्ड है वहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा हैक्सो। हैक्सो इज द परफेक्ट फॉर कटिंग पाइप्स एंड ट्यूबिंग। ट्यूबिंग और पाइप कटिंग के लिए ये वेस्ट होता है। उसके बाद है इसका टूथ है, टूथ काउंट है वो 18 से 32 पर इंच होता है, मतलब एक इंच में टूथेड की संख्या होता है, टूथ का संख्या है वो होता है 18 से 32। नेक्स्ट है हमारा की होल सॉ। की होल सॉ का यूज करते हैं हम लोग जहाँ भी अगर सर्कुलर सर्कल को काटना है या सर्कल का पैटर्न बनाना है, वहाँ पे हम की होल सॉ का यूज करते हैं, या फिर किसी भी पैटर्न में आपको होल करना है तो यहाँ पे हम की होल सॉ का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पावर सॉ। पावर सॉ क्या होता है? वो आरी जो पावर से चलता हो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलता हो। तो इसमें मेरा पहला है चेन सॉ। चेन सॉ क्या होता है? इस तरह का फ़ोटो जो लगा है ये चेन सॉ होता है। इसमें एक मोटर लगा होता है, ये हैंडल होता है, और ये जो चेन होता है इसमें टूथेड कटे होते हैं, टूथ बने होते हैं जो कटिंग एज की तरह काम करते हैं। इसका मोस्टली यूज किया जाता है ट्री बार्क में, मतलब ट्री को काटने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें नेक्स्ट पावर सॉ में ही नेक्स्ट है मेरा सर्कुलर सॉ। सर्कुलर सॉ क्या होता है कि इसका जो कटिंग एज है वो सर्कल के फॉर्म में होता है, इसमें टूथ कटे होते हैं। इसका डायमीटर होता है वो 7.25 से लेकर के 9 इंच तक वैरी करता है। 7.25 से लेकर के 9 इंच तक इसका डायमीटर वैरी करता है। इसका यूज है, क्या यूज है कि वुड वर्क में लकड़ी को काटने के लिए, मेटल वर्क में या प्लास्टिक वर्क में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा टेबल सॉ। टेबल सॉ क्या है कि सर्कुलर सॉ से थोड़ा बड़ा होता है और ये टेबल पे माउंटेड होता है। अगर इसमें हमको डेप्थ ऑफ कट बढ़ाना है, डेप्थ ऑफ कट बढ़ाना है, तो ब्लेड को या तो राइज करेंगे या फिर नीचे ले जाएंगे, तो हमारा डेप्थ उससे कंट्रोल होता है। उसके बाद है मेरा सम इम्पॉर्टेंट पावर सॉ। कुछ इम्पॉर्टेंट पावर सॉ है जिसको हम देखते हैं। पहला होता है मिल्टर सॉ, कुछ है मिल्टर सॉ, फिर है जिग सॉ, फिर है रेडियल आर्म सॉ, उसके बाद है रिसिप्रोकेटिंग सॉ, उसके बाद है रोटेटरी सॉ। रोटेटरी सॉ में क्या है? जो रोटेट करेगा सर्कुलर फॉर्म में, रोटेट करेगा, उसको बोलेंगे रोटेटरी सॉ। उसके बाद है रेसिप्रोकेटिंग सॉ, उसमें क्या होता है वो इस तरह का मोशन करेगा, मतलब ए टू बी मोशन करेगा, रिसिप्रोकेटिंग मोशन जिसको बोलते हैं। उसके बाद है स्क्रॉल सॉ। इतने सारे हमारे इम्पॉर्टेंट साथ है। इससे पहले जिस सॉ को हम लोग देखा है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये जो है ये थोड़ा कम है। लेकिन नाम आपको सारा का याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें पूछा जाएगा क्या कि ये सॉ किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है, जो कि आप अगर ये वीडियो सही से देखें तो आप जान जाएंगे कि इसका क्या यूज है।